जय माता दी दोस्तों, सुबह का प्रणाम और सुबह का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए पहाड़ों पे, चोटियों पे आज। तो यहाँ से मैंने वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग इसलिए किया है क्योंकि मंदिर के अंदर जो भजन चल रहे थे वो शायद जो भी बज रहे थे, लेकिन वो मैंने ओरिजिनल वीडियो अपलोड किया तो उसमें कॉपीराइट क्लेम बता रहा था, इसलिए फिर मैंने वॉइस ओवर करके इस वीडियो को पब्लिश किया है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर भजन चल रहे थे, मैंने सोचा अच्छा लगेगा सबको, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैंने इसको वॉइस ओवर किया है। बहुत ही हम रात को पहुंच चुके, मतलब कल सुबह हम पहुंच गए थे केदारनाथ मंदिर प्रांगण में, फिर थके हुए थे तो दर्शन सुबह एक बार दर्शन करके और फिर हम सो गए, कोई वीडियो वगैरह कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के, क्योंकि सुबह सुबह ही मौसम साफ़ रहता है तो कुछ दिखाई भी देता है और कुछ अच्छा रिकॉर्ड भी करके आपको दिखा पाए, इसलिए सुबह जल्दी उठ के फिर मैं नहा धो के और अपने रूम से निकल आया और फिर आपको ये सुंदर से दृश्य आपको दिखाने की कोशिश की है। आशा है कि आपको होपफुली दैट यू विल इन्जॉय दिस व्यूज़। बहुत ही शानदार नज़ारे, मन ही नहीं करता कि इस मंदिर के प्रांगण को छोड़ के और कहीं और जाके बैठे हैं। प्रांगण में शांति से बैठे हैं और भजन का आनंद ले और शिव के मंदिर को निहारते रहें। भोले बाबा ऐसी जगह आके विराजमान है कि मन यहाँ से वापस नीचे उतरने का होता ही नहीं, लेकिन इंसानी जीव है, नीचे तो उतरना ही पड़ेगा और अपने रोज़मर्रा के काम में वापस जाके लगना ही पड़ेगा। लेकिन ये खूबसूरत शानदार दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं श्री केदारनाथ बाबा के धाम से, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है श्री केदारनाथ। हम 12 किलोमीटर चढ़ाई करके यहाँ पहुँचे, सॉरी 12 नहीं 22 किलोमीटर, ऑफिशियली तो 14 किलोमीटर ही लिखा हुआ है लेकिन रियलिटी में ये 22 किलोमीटर के आसपास की चढ़ाई है, ट्रैक है जो हम चढ़ के आए, पैदल चढ़ के आए। वैसे तो ऑप्शन खच्चर है, हेलीकॉप्टर है या फिर पिट्टू है, लेकिन हेलीकॉप्टर के लिए आपको महीने डेढ़ महीने पहले ऑनलाइन बुकिंग ही करवानी पड़ती है। वैष्णो देवी की तरह आप एट द टाइम आप अर्जेंट में या सेम डे बुकिंग नहीं करवा सकते, इसमें ऐसा कुछ प्रोसीजर है। हमको तो पैदल ही करनी थी इसलिए हमने पैदल ही की और जाते टाइम भी हम पैदल ही उतरे। आते टाइम तो हमने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं क्योंकि चढ़ना ही मुश्किल हो रहा था तो रिकॉर्ड कहाँ से करेंगे, इसलिए हमने आपको ये सुंदर से नज़ारे पैदल चढ़ने के बाद। वैसे यात्रा वही होती है जिसमें पैदल आप पूरी करो, तो हम फर्स्ट टाइम, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था इसलिए मैं पैदल ही चढ़ना पसंद था मुझे, इसलिए हम पैदल ही आए। अगर फिर कभी केदारनाथ बाबा ने बुलाया तो फिर अब हेलीकॉप्टर या फिर खच्चर तो बहुत रिस्की है, हमारे सामने 2-3 खच्चर नीचे गिर गए तो वो तो थोड़े रिस्की है, और उतरने टाइम तो 100% रिस्की है, उसमें तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत ही शानदार नज़ारे मंदिर प्रांगण के, बस हम थोड़ी ही देर में मंदिर प्रांगण में पहुंच जाएंगे। अभी जो आप देख रहे हैं ये दोनों साइड में यहाँ पर खाने पीने की दुकानें, स्टॉल और प्रसाद की दुकानें हैं, यहाँ से आप अपने प्रसाद या फिर भोजन करना चाहे नाश्ता चाइनीज़ वगैरह सब कुछ मिलता है। भोजन के रेट तो सारे वाजबी है लेकिन जो पैकेजिंग फूड है या ड्रिंक है वो थोड़े कॉस्टली है क्योंकि नीचे से ऊपर तक सारा सामान खच्चर पे आता है, इसलिए उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाता है,
इसलिए यहाँ पानी की बोतल के 80 रुपये हैं, 20 रुपये की बोतल के। वैसे यहाँ आकर भी अगर बिस्लेरी या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पिए वो तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो शुद्ध नेचुरल मिनरल वाटर मिल रहा है तो फिर बोतल लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इधर चारों तरफ आपको मंदिर से आगे आगे का जो प्रांगण है उसमें जो दोनों तरफ दिख रहे हैं या तो खाने की होटलें या रहने का, रहने के होम स्टे वगैरह ये सब है। हम गए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी, रीजनेबल रेट पे मिल गया था हमको रूम। हम दो 2 पर्सन के लिए हमको 2500 रुपये पर नाइट का रूम मिला था और उसमें गर्म पानी का पैसा अलग से था। बहुत ही अच्छे से हमने दर्शन किए और रात को हमने अंदर गर्भ गर्भ में जाके पूजा भी की, लेकिन वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए हमने कैमरा नहीं यूज़ किया और आपको नहीं दिखा पाए। और यहाँ पे ड्रोन उड़ाना भी अलाउड नहीं है, अगर आपको ड्रोन उड़ाना है तो नीचे से रुद्रप्रयाग से DM ऑफिस से आपको परमिशन लेके आनी पड़ती है तो ही आप यहाँ ड्रोन उड़ा सकते हैं। इससे आगे आपको मैं केदारनाथ बाबा कैसे प्रकट हुए, कैसे ये मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, ये सब मैं आपको आगे इसी वीडियो में आपको अपनी आवाज़ लाइव रिकॉर्डिंग में सुनाता हूँ। यहाँ के बाद में मंदिर में जो भजन चल रहे थे उनकी आवाज़ काफ़ी कम हो गई है, इसलिए यहाँ तक कि मैंने वॉइस ओवर किया है, इसके बाद मैंने वॉइस ओवर नहीं किया है। और वहाँ आने के बाद ही मैंने ज़्यादा आपसे बात भी की है क्योंकि इससे पहले तो भजन की इतनी आवाज़ थी कि मेरी आवाज़ वैसे ही नहीं आ रही थी। ये बहुत ही शानदार दृश्य है। और ये इससे आगे जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये जिन्होंने अपने हम मनुष्य के लिए जिन्होंने इस मंदिर की खोज की थी, आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने, उनकी समाधि पे ये रास्ता जाता है जो लेफ्ट साइड में आपको पहले दिखा था। बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे भी समाधि स्थल पे अच्छा आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति लगाई है, उसका वीडियो उसका पूरा दृश्य आपको अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा। अभी बैठ के आपको इसकी पूरी कहानी जैसी मुझे यहाँ के पंडित ने बताई वैसी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, शायद आपको पसंद आए और शायद हो सकता है आपको भी पता हो इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए और दरबार डायरीज़ को आप अपना प्यार देते रहें और हम आप और कमेंट करते रहें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत जगह पर जगह आपको दिखा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, कीप ट्यूनिंग दरबार डायरीज, थैंक यू। तो मैं आपको बैठ जाता हूँ, पूरी कहानी सुनाते हैं आपको एकांत में जाके कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। जब महाभारत हुई थी उस समय कौरवों ने अपने भाइयों, बड़े पिताजी और उन सब का उनको पाप लगा था, तो उस पाप को धोने के लिए उनको आकाशवाणी हुई थी कि जाओ तुम भोले बाबा के दर्शन करो तो आपके पाप सारे धुल जाएंगे। तो फिर वो आते हैं नीचे गौरीकुंड में, गौरीकुंड वही जगह है जहाँ पे शिवजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र गणेश जी, गणेश भगवान का सिर कलम किया था, शायद वो आपको बात पता ही होगी। फिर बाद में फिर हाथी का सिर लगा के वापस लगाया गया था। वहाँ आए, वहाँ शिवजी ने उनको दर्शन दिए, गुप्त काशी में उनको दर्शन दिए गुप्त रूप से, इसलिए उसको बोलते गुप्त काशी। उसके बाद वो फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई पांडवों को, तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो और ऊपर आ गए जाया जाए। तो फिर ये यहाँ पहुँचते हैं इतनी ऊंचाई पे, तो फिर देखते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में भैंसें हैं, इतनी भैंसें खड़ी है। तो युधिष्ठिर जो थे वो बहुत बुद्धिमान थे, तो उन्होंने बोला इतने पहाड़, इन पहाड़ों के बीच में ये ना तो यहाँ कोई रहने वाला, ना कोई चारा, ना कुछ, इन पहाड़ों के बीच में भैंसे कहाँ से आई, कोई न कोई रहस्य है।
तो फिर भीम को ये मंदिर के दोनों तरफ पहाड़ है, उनका नाम है अजय विजय, उन दोनों पे भीम ने अपना सिर अपने भीम ने अपने दोनों पांव रखे और युधिष्ठिर ने बोला कि अब इसके नीचे से सारी भैंसों को निकालो, जो भैंसे होगी वास्तव में वो तो यहाँ से निकल जाएगी और जो भैंस नहीं होगी या जो जो शिव का रूप जो शिव भैंस के रूप में आए हैं तो फिर वो इस पांव के नीचे से नहीं जाएगी। तो वैसा ही हुआ और जैसे ही शिव सारी भैंसें निकलने लगी तो एक भैंस जमीन खोदकर अंदर घुसने लगी तो भीम ने वहाँ से पीछे से पूंछ पकड़ लिया। तब तक आधा शरीर निकल चुका था और आधा शरीर जो निकला वो निकला नेपाल में, आगे का मुख प्रस्थ जो कहते हैं वो निकला नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर जहाँ आज स्थापित है, वहाँ पे अग्र भैंसे के अग्र भाग की पूजा की जाती है, उसको शिवलिंग के तौर पे पूजा जाता है और जो पृष्ठ भाग है वो यहाँ केदारनाथ में विराजमान है। तो फिर क्या होता है कि जब वो पृष्ठ भाग रहता है इतना ही बचता है तो फिर पृष्ठ भाग रहता है तब गदा से भीम उस पर वार करता है, फिर बाद में शिव जी प्रकट होते हैं। इसलिए आज भी इस मंदिर में जब लोग दर्शन करने जाते हैं तो शिवलिंग पे जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पे घी लगाते हैं जो मलम का काम करता है। ऐसी कथा है, इस तरह से शिव जी प्रकट हुए और यहाँ से फिर वो लोग ऊपर चले गए और ये जो मंदिर है इसका जो ये पृष्ठ भाग है पीछे का जो भाग है गर्भगृह जो बड़ा सा है ये पांडवों की तरह निर्माण किया गया था और जो आगे का तोरण है या सभा कक्ष बोल सकते हैं वो यहाँ के राजा थे ब्रह्म ऋषि राजा ऐसा ही कुछ नाम था, मैं अच्छे से याद नहीं है मुझे, वो उन्होंने ये निर्माण करवाया था और इसके अंदर पांडवों की और माता कुंती की और द्रौपदी की मूर्तियाँ भी लगी हुई है और मंदिर के अंदर वो शिवलिंग स्थापित है और शिव जी की एक तांबे या पीतल की एक मूर्ति है और शिव जी का पूरा परिवार है, गणेश जी, माता पार्वती और शिव जी की एक अलग से प्रतिमा है। अभी देखिए ये पर्वत कितना थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर का चमक रहा है, पहाड़ पे जब सूर्य देवता की किरणें पड़ती है अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं इसका ये इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये इस मंदिर की हुई स्थापना और हमारे लिए गुरु आदि गुरु श्री शंकराचार्य ने इस मंदिर की खोज की और 32 वर्ष की आयु में समाधि ले ली। जो मंदिर के पीछे के भाग में है वो उसका वीडियो आपको मैं दिखा दूंगा। तो ये है केदारनाथ, आज हम नीचे उतरने का विचार कर रहे हैं पैदल और बहुत ही खूबसूरत मनमोहक और ये नज़ारा देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत झरना है। ये देखिए और ये जो नदी है ये नदी है मंदाकिनी, मंदाकिनी के तट पे, मंदाकिनी इससे साइड में से बहती है, पीछे से आती है मंदाकिनी दोनों तरफ से मंदिर के, आगे जाके और भी इसमें पानी मिलता है, इसकी उत्पत्ति इन पीछे वाले पहाड़ों से होती है। अभी धीरे धीरे सूर्य देवता आ रहे हैं और हाँ एक बात, यही एक ऐसा शिव जी का शिव ज्योतिर्लिंग है जो सबसे विशेष है और विशेष इसलिए है क्योंकि ये मोक्ष धाम है, मोक्ष धाम इसलिए है क्योंकि जितने भी शिव जी के मंदिर हैं वो सारे मंदिरों का जो मुख्य द्वार है वो पश्चिम दिशा में खुलता है, यही सिर्फ एक ऐसा मंदिर है जिसका दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार खुलता है, इसलिए इसको मोक्ष धाम भी कहते हैं।
और आपको दिखाते हैं एक साधु महात्मा की झोंपड़ी है, उस पर तिरंगा लगा हुआ है, अपना राष्ट्रीय ध्वज बहुत ही शानदार हवा की वजह से लहला रहा है और बहुत ही सुंदर दृश्य है। अब आपको दिखाते हैं ऊपर पहाड़ पे जो रोशनी आ रही है, शायद कैमरा इतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा। ये देखिए बर्फ़ सोने की तरह चमक रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। इच्छा तो नहीं है लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। मन तो है कि 10-15 दिन यहीं रुकें आराम से, लेकिन क्या करें, मनुष्य हैं तो जाना तो पड़ेगा परिवार। ये देखिए कैलाश पर्वत की तरह इस पर भी धूप पड़ती है तो गोल्डन हो जाता है। आइस कैप माउंटेन्स, ये देखिए इस पे जब सूर्य की किरणों पर ये सब क्या खूबसूरत लग रहा है। ये मंदिर के पीछे के भाग की पहाड़ है, मौसम खुला है, सोचा आपको मैं लगा दिखाता हूँ। ये देखिए सूर्यदेव का पहाड़, ये देखिए ये बीच होते हैं मनमोहक दृश्य, वो सब महाबल की निशानियाँ हैं कुछ। अभी यहाँ का टेम्परेचर लगभग 8-9 डिग्री है और रात में तो बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, 3-0-1-2 के पास। ये आपको सामने एक गुफा दिखाता हूँ, शायद कैमरा कैप्चर कर पाए। ऊपर है एक गुफा, वो ऊपर एक गुफा है जहाँ पर मोदी जी बैठ के ध्यान किया था और वो तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी। बहुत ही खूबसूरत मंदिर गुफा, हम तो वहाँ नहीं गए क्योंकि हम लोग पैदल चढ़ाई की थी 22 किलोमीटर, अब इससे ज़्यादा हमको चलने की हिम्मत नहीं थी। अगर एक दो दिन रुकते तो हम ज़रूर जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। अब देखिए इस पहाड़ को, एकदम आइस कैप माउंटेन और गोल्डन कलर का। देखिए तो इसके आगे का जो भी हमने वीडियोस वगैरह बनाए हैं वो आपको अगले वीडियो में दिखाते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो कीप ट्यूनिंग दरबार डायरीज़। पिछले वीडियो में हम ने आपने पिछला वीडियो देखा हो तो हम गौरीकुंड पहुँचे थे और इसके आगे का वीडियो चढ़ाई करते टाइम हमने रिकॉर्ड कुछ किया नहीं, उतरते टाइम जो भी किया है वो आप दिखाएंगे ज़रूर। कीप ट्यूनिंग दरबार डायरीज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।